पहले चाचा बोल। वो जिंदगी का मेरा पहला दिन था जब मैंने किसी इंसान का इतना वेट किया होगा। झुकेगा नहीं साला। किसी से भी बात करके इम्प्रेस करने की कला इनके अंदर है। जो आपको याद है मैंने क्या ड्रेस पहनी थी जब हम पहली बार मिले थे। हाय YouTube फैमिली, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल की न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया हो गए। गाजियाबाद वाली गुड वाली मॉर्निंग। अभी एक बार फिर से दिन की शुरुआत हो चुकी है। मैंने नहा लिया है, तैयार हो चुकी हूँ। जैसे कि आपने कल के ब्लॉग में देखा ही होगा, रात 3 बजे कुछ जो आए थे, तो सुबह अभी फिर दोबारा उठ के सब काम काज करने हैं। टाइम पर उठना ज़रूरी है और नींद पूरी नहीं हुई आज एक बार फिर से। कितने दिनों से नहीं हुई है पता नहीं। और ये देखो जो रात मैंने मेहंदी लगाई थी, कितना प्यारा कलर आया मेहंदी का। इससे जो ज़्यादा डार्क हो जाती है ना, वो भी मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे ये कलर बिल्कुल परफेक्ट लगता है, मैंने आपको पहले भी बताया व्लॉग में। और इससे जो हल्का होता है वो रंग भी मुझे अच्छा नहीं लगता। बस ये परफेक्ट वन कलर है जो मेरा फेवरेट कलर है। जो भी पीछे से दीदी की मेहंदी लगाई थी, सेम ही कीप है, दोनों एक ही डिब्बे में से निकली हुई है। लेकिन दीदी के पता नहीं क्यों चढ़ी नहीं मेहंदी, बहुत ही हल्की लगी थी। ये कलर फिर भी थोड़ा सही आया है। मेरे को डाउट था, मेरे को पता नहीं, मैं मेहनत कर तो रही हूँ, चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी। अब 2-4 दिन तो हाथ कम से कम रचे हुए रहेंगे। तो अभी बहुत सारे कपड़े धोए हैं जिस वजह से एक बार फिर से लेफ़्ट साइड में पेन होना स्टार्ट हो गया है। कभी कभी ऐसा पेन होता है जो पूरे पेट में होता है, तो वो मैं ऐसे सोच रही हूँ कि शायद वो गैस का दर्द होता हो, गैस हो जाती है जैसे कई बार। और जो लेफ़्ट साइड है वो स्टोन है और गांठ सी बनी हुई है, वो मैंने आपको बताया था, शायद उस चीज़ का पेन होता है। वैसे नहीं होता जब कोई भारी भरकम काम कर लूँ, जैसे कपड़े वगैरह धोने, हाथ से धोती, ब्रश वगैरह मारती हूँ, तो दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए पहले पूजा पाठ कर लेते हैं, बाकी दिन भर में जो भी होता रहेगा दिखाती रहूँगी आपको इस ब्लॉग में। बने रहिए ब्लॉग में मेरे साथ। पीली पीली सरसों माँ की पीली रे चुनरिया, पीली पीली सरसों माँ की पीली रे चुनरिया, अब के बरस माँ का चोला सिलवाऊंगी, चोला सिलवाऊं उसमें गोटा लगवाऊंगी। माँ तेरे चोले का नजारा, माँ तेरे चोले का नजारा, जरा देखन दे देखन दे। पीली पीली सरसों माँ की पीली है चुनरिया, पीली पीली सरसों माँ की पीली है चुनरिया। आज कपड़े बहुत ज़्यादा थे धोने वाले, इसलिए टाइम लग गया और अभी मैं लेट हो गई हूँ। राजमा की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है और यहाँ दूसरी साइड फटाफट फटाफट रोटी बना रही हूँ। तो चुने जाना ऑफिस, नहीं तो भूखे चले जाएंगे महाराज जी। अभी यहाँ पर किया जा रहा है ब्रेकफास्ट। गुड मॉर्निंग जोशी जी। गुड मॉर्निंग। कुछ जा रहे हैं अभी ऑफिस, ओला में जाना है आज उन्होंने। ओला वाले भाई साहब दूसरी साइड खड़े हुए हैं। जन्नत को पाने में कितना वक्त ये जमाना। गाने चला रखे हैं देवर जी ने नीचे। ओह माय गॉड, पेट में दर्द है यार। ये दर्द मुझे लग रहा है साथ लेकर जाएगा मुझे। कुच्चू को मैंने बोला, मैंने कहा पेट में दर्द हो रहा है, तो कुच्चू ना बाल्टी रख गए थे ऊपर, देखो भरे हुए कपड़ों की बाल्टी, बहुत सारे कपड़े हैं, ये बहुत बड़ी बाल्टी है ये। वैसे मेरे उठा पाना बस की भी नहीं थी, बहुत भारी हो रही है ये। कुछ भी रख के गए हैं, तो चलो डाल देते कपड़े तार में। कपड़े डाल दिए अभी मैंने छत में सूखने के लिए, 3 तारे भर गई हैं। इतने सारे कपड़े धोए हैं आज, हवा चल रही है बड़ी ज़ोरदार, कपड़े मतलब टिकेंगे नहीं बिना चिमटियों के। अभी चिमटियाँ लगाई हैं, भूल गई थी नीचे की, दोबारा चिमटियाँ लेकर आई। बाल भी परेशान कर रहे हैं बार बार, चुन्नी से बांध रखे हैं फिर भी मुँह पे आई जा रहे हैं बार बार। भूत हूँ मैं। चलो चलते हैं नीचे हमारी पेंट वाली बाल्टी लेकर। कान में डबल झुमका, हिटन में मारे ले ठुमका, कान में डबल झुमका, हिटन में मारे ले ठुमका, काली जींस में तेरी लाल बनिया ना, तेरे फैशन देख के बुढ़ा है गन जाना। गाने चल रहे हैं बाहर, पहाड़ी देवर जी ने लगा रखा है ब्लूटूथ। ऊपर अभी छत में गई थी, मतलब ऐसे लग रहा है कि मौत के मुंह में चली गई हूँ। वैसे नॉर्मली धूप में जाओ तो ऐसा होता है 5-10 मिनट में बाल सूख जाते हैं, लेकिन अभी तो पसीने से बाल दुगने गीले हो गए हैं मेरे। ऊपर छत में जाने से पहले मैं एसी ऑन करके गई थी, तो अभी रूम थोड़ा ठंडा हो रखा है। अब ये दिक्कत भी है, फिर छत में इतनी धूप, एकदम से आके एसी में घुस जाओ, फिर सर्द गर्म हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, मतलब सुख कहीं भी नहीं है। और ये नहीं है कि भाई एसी में बैठे हो तो तुम बड़े आराम में बैठे हो, एसी सौ बीमारियां लगाता है, हाथ पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये फलाना ढिमकाना, कोल्ड जुकाम सर्दी बुखार कितना कुछ हो जा रहा है। अब क्या कर सकते हैं बताओ, मरना तो है नहीं। फिलहाल की सहूलत देखते हैं, बाद की विपता बाद में देखी जाएगी, यही है फिर।
तो अभी फिलहाल घर के तो सारे काम काज निपट चुके हैं, तो अभी मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई कर लेती हूँ, व्लॉग एडिट कर लेती हूँ, मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद। फिलहाल मेरा फ़ोन का सारा कामकाज निपट चुका है, जितना भी मेरा काम रहता है एडिटिंग का हो, चाहे वीडियो बनाना हो, चाहे व्लॉग एडिट करना हो, सारा ही काम फ़ोन का ही होता है, तो आंखें भी दर्द होने लग जाती है मेरा फ़ोन देख देख के। मैं सोचती हूँ एंटी ग्लासेस आते हैं ना अलग से, उससे आँखों में नहीं पड़ता इतना फ़र्क, तो वो एन के बना लूँ मैं, क्योंकि आँखें ना बहुत दर्द होने लग गई हैं मेरी। और बाहर देवर जी, टकलू और मम्मी तीनों ही सो रहे हैं, अब अकेली घर में बैठ के करूँ भी क्या, चलो बाहर चलते हैं। अभी मैं जा रही हूँ लवी को ट्यूशन छोड़ने के लिए, आज लवी अपना न्यू बैग लेके जा रही है ना। लवी खुश हो आप? कितनी खुशी होती है ना जब नया बैग मिलता है, नई कॉपी किताब मिलती है, हाँ मज़े दिखा ना, ये देखो मज़े है भैया लड़की के। बाय बाय। लवी को ट्यूशन छोड़कर अभी आई हूँ मैं वापस घर, छत पर आई हूँ, कपड़े सूख चुके हैं, चलिए उतार लेते हैं कपड़ों को। मेरे हाथ में लैंप देख के तो आप समझ ही गए होगी कि लाइट गई हुई है, पसीने में देखो तर हो रखी हूँ मैं, कपड़े तो है कि अभी मैंने लैंप की मदद से ही, चलिए अभी पूजा पाठ करते हैं। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, रिद्धि सिद्धि लेके आओ गण राजा, मेरे घर में पधारो, ब्रह्मा जी आना विष्णु जी आना, ब्रह्मा जी आना विष्णु जी आना, भोले शंकर को लेकर आना, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। अभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दो तीन मग्गे मैंने पानी भर के अपने ऊपर डाल लिया हो, इतना पसीना हो रहा है, पूरी भीग चुकी हूँ मैं, सारे कपड़े भीग चुके हैं मेरे पसीने से। पूजा पाठ कर लिया अभी मैंने, जैसे कि आपने ब्लॉग में देखा होगा सुबह राजमा बनाई थी, तो राजमा बची हुई है, अभी रात का खाना भी उसके साथ ही हो जाएगा, तो खाना तो अभी बनाना नहीं है, सिर्फ रोटी बनानी है, वो भी टाइम पड़ा बना लेंगे बाद में। सभी बाहर गली में बैठे हुए हैं, चलो हम भी चलते हैं बाहर, क्योंकि लाइट पता नहीं अभी कब तक आएगी, और अंदर तो बहुत हुम्मस हो रही है बहुत ज़्यादा। इट्स टाइम टू डिनर। यहाँ पर फिल्म चल रही है बादल बादल बादल। अभी मैंने डिनर कर लिया है, बाकी सब घर वाले तो चावल ही खाएंगे राजमा के साथ, तो अभी चावल उनके बन रहे हैं। अभी ना टीवी में गाना चल रहा था, उसके लिरिक्स बड़े प्यारे लगे मेरे को, जब यार करे परवा मेरी मुझे क्या परवा, जग मुझ पे लगाए पाबंदी, मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की। सच में यार ससुराल में ना एडजस्टमेंट ही है वैसे तो पूरी ज़िंदगी ही, लेकिन शादी के बाद लड़की को बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। जो भी मैरिड वुमेन्स हैं ससुराल में रहती हैं वो इस चीज़ को समझ सकती हैं, और समझ भी रही भी होंगी मेरी बातों को। लेकिन अगर पति आपका साथ देता है ना तो थोड़ा ईजी हो जाता है लाइफ गुजारना, नहीं तो फिर परिवार तो दूसरा है ही, और पति भी अपना आना हो तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है काटने। सच में पहले चाचा बोल, चाचा बोल, मतलब अगर मुझे चाची बोल दिया तो जबरदस्ती की जा रही है कि चाचा बोलो, चाचा बोल, शान का मूड है भैया, नहीं बोलेगा लड़का, चाचा बोल, नहीं दूंगा मेरे पाले में बोलूंगी ना। टकलू को लगता है हर चीज खाने के लिए, चाचा बोल पहले, चाचा बोल पहले, चाचा बोल, टकलू टकलू बाबू गंदी है, इसने मुंह में देखा कोई इंक वगैरह डाल रखी है, मुझे लग रहा है जीभ देखना कैसी हो रही इसकी। हाँ इसने पेन चूस लिया लग रहा है। बाबू पेन चूस क्या है आप, दूध नहीं दिया मम्मी ने, ले 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 ले, और ले लूं, और ले लूं ये वाला, ले लूं, हाँ ले लो बेटा सब ले लो, किसी दे दो, मैं लाऊं डंडा भी, हाँ बोल रहा है, लाऊं डंडा मार खाएगा बाबू, चाचा बोल दो, बोल बाबू, चाचू बोल, चाचा कहते बेटा, बाबू चाचा बोल लो प्लीज, चाचा चाचा, ना कामयाब कोशिश, पापा बोल रहा हूँ, बोलो चाचा, बोतल चाहिए, खा लिए बोतल, लो क्या करोगे, पानी पी, पानी पी, पानी पी, खा लिए बोतल, पानी ले, देखना 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 देखना, आहा मजा आ गया, चाचा से मंगा ले, चाचा मंगा ले, चाचा बाबू बोल दो, चाचा बाप बोल दे, चाची को, घंटे से भी ऊपर हो गया मुझे वॉक करते करते, मम्मी से बात की कुछ देर,
फिर प्रिया दीदी आ गए थे सामान लेने के लिए, शॉप पे जा रहे थे, उनके साथ शॉप तक गई, उसके बाद वापस आई। अभी भी घूम रही हूँ, काफ़ी टाइम हो गया, लातों ने भी जवाब दे दिया। अब चलो चलते हैं घर वापस। वॉक करने के बाद थोड़ी देर प्रिया दी के पास चली गई थी, मैं उनके पास बैठी बातचीत की, घर आकर नहाया मैंने फटाफट से, एसी ऑन कर दिया अभी क्योंकि गर्मी बहुत तगड़े वाली हो रही है, ऐसी गर्मी जो मतलब सही नहीं जा रही। और वैसे फिलहाल तो बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, भोलेनाथ से यही दुआ करती हूँ ज़बरदस्त ज़ोरदार बारिश आ जाए, ऐसा ना हो बस दो चार बूंदे पड़े उसके बाद फिर वही भम्मस वही गर्मी। कुच्चू को कॉल किया था अभी मैंने, कह रहे हैं कि थोड़ी देर तक आ रहा हूँ, इनकी थोड़ी देर तो पता नहीं, कल रात भी 3 बजे आए थे, आपको दिखाया था ब्लॉग में मैंने, तो देखते हैं आज कितने बजे आएंगे। फिलहाल जो मैंने ब्लॉग अपलोड किया था 7 बजे, तो उसके अभी कमेंट्स के रिप्लाई करने लगी हूँ, तो ठीक है जब भी कुच्चू आएंगे दिखाऊंगी आपको। तकरीबन 12:30 बजे कुच्चू घर वापस आ गए थे, घर आकर नहाया इन्होंने भी, अभी डिनर कर लिया है और बर्तन साफ करने लगी हूँ मैं। मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई करने लगी थी इनको डिनर सर्व करने के बाद, इसलिए फोटोज रिकॉर्ड करना ही भूल गई आज। अभी एग्जैक्ट 1 बज चुका है रात का और यहाँ पर बर्तन धोए जा रहे हैं, चने नहीं नहीं यहाँ पर पारी हो रहे हैं चने नहीं। तो गाइस फिलहाल मेरा घर का सारा कामकाज निपट चुका है, अभी रात के एग्जैक्ट हो रहे हैं 1:10 और अभी मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि दिन भर मैं कुछ भी खास नहीं आपको दिखा पाई आज के ब्लॉग में। डेली व्लॉगिंग करना सीरियसली बहुत ज़्यादा मुश्किल है, एक हाउसवाइफ के लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल है, घर के सारे काम करने हैं आपको, उसके बाद आपको उन चीज़ों को शूट करना है, फिर आपको एडिट करना है, आपको अपलोड करना है, आपको टैग्स लगाने हैं, बहुत सारा काम रहता है, फिर आपको कमेंट्स के रिप्लाई करने हैं, सच में बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है कि, और ऊपर से सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि डेली ये सोचना कि अब किस टॉपिक पे व्लॉग बनाया जाए। तो अभी मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई कर रही थी, अभी मैंने 1-2 दिन पहले जो व्लॉग डाला था उसमें मैंने आपको बताया, कहा था व्लॉग के एंड में कि अगर आपको सजेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा, तो उसके व्लॉग के एंड में मैंने आपसे भी पूछा था कि जो मेरी लाइफ के रिलेटेड स्टोरीज़ हैं, जैसे कि लास्ट मिनट साथ आपके साथ जो स्टोरी मैंने शेयर की थी उसमें मैंने आपको ये चीज़ क्लियर की थी कि हमारी जो मैरिज है ये मेरी तरफ से तो प्रॉपर ही अरेंज मैरिज है, और कुछ की तरफ से जो प्रॉपर है वो लव मैरिज है। तो उस जो वो व्लॉग है उसको भी आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया, अब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हम हैं जहाँ पे कुछ पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, तो उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स ऐसे आए हुए थे कि अब जीजू ये व्लॉग देखेंगे तो उनकी ईगो हर्ट होगी, आपका आपसी रिलेशन ख़राब हो सकता है, आपने सबको सच सच सबके सामने रख दिया। तो मैं उन जो कमेंट्स के रिप्लाई में मैंने यही चीज़ बोली थी कि देखिए अगर आप ये चाहते हैं कि मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आकर झूठ बोलूं, कुछ भी दिखावटी दिखाऊं, वो मेरे बस की बात नहीं है, मैं स्पष्ट हूँ, जैसी हूँ वैसी ही हूँ आप सबके सामने, मुझे ये नहीं होता कि मैं फेक पना किसी भी चीज़ को लेकर दिखाऊं, मैं शुरू से ही ऐसी हूँ। जो लोग मुझे पर्सनली मिले भी हैं आप में से कुछ लोग, कभी कहीं मुलाकात हो ही जाती है, दुनिया गोल है, और काफ़ी सारे लोगों के ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि दीदी आपसे मिलना चाहते हैं, तो भोलेनाथ की कृपा रही तो ज़रूर मिलेंगे, मैं हमेशा यही बोलती हूँ, कभी मैं ये नहीं बोलती, किसी भी चीज़ का ईगो एटीट्यूड ये चीज़ें नहीं है, और ना ही कुछ भी झूठ दिखाना चाहती हूँ। जब ये चैनल शुरू किया था तो मन में यही था कि नहीं, जो भी दिखाना है सच दिखाना है, स्पष्ट दिखाना है। तो उस ब्लॉग के नीचे काफ़ी सारे ऐसे ऐसे कमेंट्स आए थे जो पढ़ के मुझे मतलब कुछ ऐसा सा लगा कि भाई ऐसे कैसे सोच लेते हैं कि कुछ भी। अब देखिए जो मैं ब्लॉग बनाती हूँ वो मेरी फैमिली में चाहे नहीं वो लोग आते, फिर भी मेरे देवर जी ब्लॉग देखते हैं, मेरी सासू माँ ब्लॉग देखती हैं, छोटी नंद का मुझे पता नहीं, बड़ी नंद का भी नहीं पता, लेकिन मेरी बड़ी नंद के जो इन-लॉज हैं वो सभी मेरा ब्लॉग देखते हैं, स्पेशल टीवी में लगा कर देखते हैं। आंटी ने लास्ट मुझे जब हम दीदी की एनिवर्सरी पर गए थे, उनके घर गृह प्रवेश था, उस दिन उन्होंने मुझे पर्सनली खुद बताया था, तो मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो मेरी जब खुद की फैमिली व्लॉग्स देख रही है जो मुझे पर्सनली जानते हैं कि मैं कैसी हूँ, अगर मैं कोई भी चीज़ दिखावा करके दिखाऊंगी उसमें तो सबसे पहले तो वही कैच कर लेंगे कि भैया ये तो झूठ बोल रही है करके, और वो चीज़ मैं नहीं चाहती कहीं पे भी शो हो कि भैया कुछ भी दिखावा कर दिया वो कर दिया। तो जो भी चीज़ें हैं रियल ही आज तक आपको दिखाई हैं, आगे भी रियल ही दिखाऊंगी। तो आप लोगों के काफ़ी अभी ब्लॉग के नीचे कमेंट्स आए थे कि दीदी आप आगे की स्टोरी जो कंटिन्यू करो स्टार वो बताओ, हम चाहते हैं कि आप शेयर करें हमारे साथ। तो अभी कुछ मेरे बगल में लेटे हुए हैं, इन्होंने हेडफोन लगा रखे कानों में, नींद आ रही मुझे लग रहा है इनको। तो कुछ अभी फिलहाल ऐसा सा माहौल है, तो जहाँ मैंने आपको स्टोरी छोड़ी थी उसके आगे कंटिन्यू करती हूँ। लास्ट मैंने आपको बताया था कि जो कुंडलियाँ वो फेक बनाई थी करके, लेकिन हमारे घर पे इस चीज़ का पता नहीं था, मुझे पता नहीं था, मुझे खुद शादी के 1.5 साल बाद इस चीज़ का पता लगा था। तो फिर मैंने पंडित जी से पूछा था क्या उपाय है बताओ, तो उन्होंने बताया था कि वीरवार के फास्ट करो, मैंने किए भी थी, उद्यापन भी किया था आपके सामने, वो सबको ब्लॉग में है, लेकिन उसका रीज़न क्या था वो मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था जिसमें आपके साथ स्टोरी शेयर की थी मैंने। तो उसके आगे की स्टोरी मैं कंटिन्यू करती हूँ कि हमारी जो पहली मुलाकात है कुछ पुछू की वो किस तरीके से हुई थी।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी लाइफ में कुछ भी नॉर्मल नहीं है, सब कुछ ही अब नॉर्मल है, हर एक चीज ही अजीब अजीब सी है। मुझे खुद लगता है कि मेरी लाइफ ना बड़ी फिल्मी सी है हर एक चीज को लेकर। जैसे लोगों को इजीली सब कुछ चीजें हो जाती हैं, वैसा मेरे साथ कभी भी कुछ नहीं हुआ। हर चीज के पीछे स्ट्रगल रही है, हर चीज के पीछे मतलब अलग ही अद्भुत सी स्टोरी रहती है। तो क्या हुआ था, एक्चुअल में ये कन्फर्म हो गया था कि हमारी शादी होने वाली है और कुंडलियां वगैरह मिल चुकी हैं और इनके घर वालों ने मुझे देखने के लिए आना था। तो पापा ने कहा कि जब मेरा बड़ा बेटा घर पे आएगा तो उसी समय मैं इनको बुलाऊंगा, घर पे बुलाऊंगा। जैसे आप सबको पता है कि बड़े भैया गवर्नमेंट जॉब में है, तो भैया दिसंबर के महीने में आए थे। तो दिसंबर के महीने वो कह रहे एक दो दिन हमें खुद भी चाहिए फ्रेश होने के लिए, भैया ऐसे कहने लग गए। तो 14 दिसंबर की डेट फिक्स हुई थी कि ये लोग आएंगे घर पे मुझे देखने के लिए। तो उससे पहले मेरे मन में ये डाउट था, जब मैंने इनकी पिक्स वगैरह देखी थी मुझे ऐसा लगता था कि हाइट में काफ़ी लंबे है, क्योंकि मेरी हाइट कुछ खास नहीं है, 5'1" या 2" होगी या ऐसी होगी, इससे ज़्यादा कुछ खास मेरी हाइट नहीं है। तो मेरे को था कि जोड़ी गंदी नहीं लगनी चाहिए। देखो उम्र भर का ये फैसला है, फिर आपने साथ में रहना उम्र भर, फिर कहीं शादी ब्याह में जाओ, कहीं भी जाओ, कोई ऐसा मत कि कैसा कपल है, कैसी जोड़ी है। मेरे को ये था कि नहीं मेरे जैसे मतलब परफेक्ट वन हो हमारी जोड़ी, ऐसा सा मन में था। तो मेरे को ये था एक बार मिल ले करके मन में सोचा, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हुई। तो जब ये हो गया कि नहीं लोगों ने आना है देखने के लिए, तो मैं मम्मी से ऐसे बात हुई तो मम्मी मुझे कहने लगे कि उनकी फैमिली भी आएगी है ना, हमारी फैमिली भी पूरी होगी। फिर अगर ये हो गया कि नहीं रिश्ता नहीं हो रहा है तो फिर वो बेइज्जती वाली बात हो जानी है, तो तुम देख लो पहले एक दूसरे को मिल लो। तो मैंने कुछ से बात की, कुछ कह रहे मेरे मन में भी ये चीज़ है कि मैं भी पूरी फैमिली लेके आऊँगा, उनकी भी इज्जत की बात है कि ऐसे नहीं फिर अगर मना हो गई तो नहीं सही बात नहीं है, हम दोनों एक बार पहले मिल लेते हैं। तो मम्मी को इस चीज़ का घर पर पता था, पापा को पता नहीं था। मैं घर पे बोल के गई थी कि मैं अपनी दीदी के साथ शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, वो पटियाला में रहते हैं, उनके साथ ही मोस्टली मैं जब भी शॉपिंग करने गई हूँ वैसे तो मम्मी के साथ जाती थी। कभी मम्मी ने मना कर दिया, उनकी तबीयत खराब है, जाना ज़रूरी है, तो मैं उन दीदी के साथ जाया करती थी। तो हम लोग ने दिन भर शॉपिंग की, वहाँ पर घूमे फिरे। उसके बाद इनका जब फ़ोन आया कि मैं पटियाला पहुँच गया हूँ, ये दिल्ली से पटियाला बाइक पर आए थे, वाइट कलर का एक गमछा सा फेस पर बांध के। तो मैं ना वहाँ पे वेट कर रही, वो ज़िंदगी का मेरा पहला दिन था जब मैंने किसी इंसान का इतना वेट किया होगा। कम से कम आधे से पौना घंटा इन्होंने मुझे वेट कराया और मैं स्कूटरी के बाहर बैठी हूँ पागलों की तरह, और खुद पे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं वेट कर क्यों रही हूँ, घर को क्यों ना भाग जाऊँ, मैं ऐसे सा मन में फीलिंग भी आ रही है, लेकिन मैं नहीं गई। मैंने कहा नहीं यार इतना वेट किया क्या पता अभी आ रहे हो, अभी आ रहे हो। एक्चुअली फर्स्ट टाइम आए थे तो रास्ता इनको भी पता नहीं था, किसी गलत रूट पर चले गए थे, काफ़ी मुड़ के वापस आना पड़ा था इनको। तो साहनी बेकरी पटियाला में, वहाँ पर हमारी फर्स्ट मुलाकात हुई थी। ये आए बड़े हीरो वाले स्टाइल में से उतरे ये बाइक में से। उसके बाद हम साहनी में गए, मेरा ऑर्डर हमेशा एक सा वही रहता था, फिक्स था, पिज़्ज़ा, रेड सॉस पास्ता और उसके साथ कोक या कोल्ड ड्रिंक जो भी आप मतलब पीना पसंद करो। तो वही हमने सेम ऑर्डर किया, और जैसे हम जाके ऊपर बैठे तो इन्होंने सबसे पहले वेटर से बोला कि पानी दे दो करके, बैठे ही थे उस समय तो कहते पानी ला दो। वेटर कहता सर पहले बिलिंग होती है, हर जगह का अपना अपना सिस्टम होता है। तो वेटर कहने लगे सर यहाँ पे पहले बिलिंग होती है। कह रहे बंदा बाहर गर्मी से आया है, अब पहले तुम्हें पैसे कटवाए काउंटर पे जाके फिर तुम पानी ला कर दोगे, ये क्या बात बनी। कह रहे नहीं ऐसे नहीं होता, पहले पानी ला कर दो। मतलब मैं हम लोग मोस्टली हमारे जैसे कॉलेज में हमारा फ्रेंड सर्कल था, हम बर्थडे पार्टीज वहीं पर अपनी सारी इंजॉय किया करते थे, वहीं पर मनाया करते थे। तो हमेशा वहाँ का रूल यही रहा है कि पहले बिलिंग करवाओ और उसके बाद सेल्फ सर्विस थी तो सामान जाकर खुद से लेकर आओ, यही रहता था। तो मतलब मैं देख के हैरान थी, वेटर इनके लिए पानी लेकर आ रहा है, और जो हमने खाना पीना उस दिन जो भी इन्होंने ऑर्डर किया हमने ऑर्डर किया, मतलब जो भी खाना पीना आया बिलिंग हमने एंड में की खाना पीना खाने के बाद। वो फर्स्ट टाइम ऐसा था, मतलब होता ना रोब मार रहा अपने ही एक हवाबाजी बंदे की, तो देख कर मुझे थोड़ा होता ना इंप्रेशन जमाने वाला बात था। तो वहाँ पर मतलब थोड़ा मेरे को यूँ लगा कि हाँ झुकने वाले नहीं है, झुकेगा नहीं साला। तो उसके बाद जब वो बिलिंग वहाँ पे, हाँ एक चीज़ और अच्छी हुई, जब बिलिंग की बारी आई ना, एक तो इन्होंने वैसे ही एक्स्ट्रा पैसे दिए थे, कुछ उसने जब पैसे वापस किए तो कुछ कहने लगे आपने बोतल के पैसे नहीं काटे पानी की बोतल के, वो भी काट लेना। तो वो जो बंदा है वो और खुश हो गया, कह रहा सर आप ईमानदार हो, आजकल कोई बताता नहीं है ऐसे। तो उसके बाद हम वहाँ से निकल गए हैं, तो मैंने कहा चलो अब वो अपने रास्ते में अपने रास्ते, ये था कि आप वापस जाओगे दिल्ली को। तो कह रहे कि स्कूटी मेरी, मैं स्कूटी पे थी ये बाइक पे आए थे। तो थोड़ी देर मुझे कह रहे चलो बाइक पे ऐसे राउंड मारते हैं पटियाला का। हम लोग ऐसे थोड़ी देर घूमने के लिए बैक साइड गए सहानी के, तो वहाँ ही मुझे कहने लग गया मैं इतनी दूर आया हूँ तो मेरा मन कर रहा है कि मैं मम्मी पापा से मिल कर जाऊँ। अब मैं ऐसे क्योंकि पापा को तो मैं ऐसे बोल के आई थी मैं फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ, लेकिन मम्मी को पता था इस चीज़ का। तो मैंने मम्मी को कॉल किया, मैंने कहा मम्मी ऐसे ऐसे ये कह रहे हैं मिलने के लिए। मम्मी कह रही तुम मेरे को फंसवाओगे और कुछ नहीं। मैंने कहा मम्मी मैं तुम्हारा नाम नहीं आने दूंगी, तुम ऐसे बोल दो कि वो आए मिलने के लिए अचानक से, तो आरती ऐसे ऐसे बोल रही है ऐसे बोल दो आप। तो मम्मी ने ऐसे ही बोला पापा को, पापा कह रहे चलो आए हैं तो कोई बात नहीं आने दो घर।
तो हम ऐसे करके घर गए, लेकिन पापा को इस चीज का नहीं पता था कि मम्मी को इस चीज का ऑलरेडी पता है। वो अगर पापा आज ये ब्लॉग देखेंगे उनको तब पता लगेगा कि मम्मी को पता था इस चीज के बारे में पहले से ही। तो उसके बाद हम लोग घर गए, पापा ने इनको देखा, पापा को भी पसंद आया, बोलने का वे सब कुछ इनका वैसे ही बहुत अच्छा है, किसी से भी बात करके इम्प्रेस करने की कला इनके अंदर है। तो सब कुछ अच्छे तरीके से हो गया। फिर जाते हुए पापा ने इनको पीठा लगाया, पीठा लगाना मतलब पक्का करने वाली बात होती है। तो सब कुछ इस तरीके से हमारी जो पहली मुलाकात थी इस तरीके से, मतलब हम ये था कि घर वालों से हाइड करके मिल रहे थे, लेकिन होते होते फिर घर हम पहुंच ही गए। तो उस टाइम की कुछ पिक्स मेरे पास होंगी भी हमारी पहली मुलाकात की, वो पिक्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी इस ब्लॉग के बिल्कुल एंड में। गाइस ये थी कुच्चू पुच्चू की पहली मुलाकात की स्टोरी, कैसी लगी आपको जरूर बताइएगा कमेंट्स करके। और अगर आप आगे चाहते हो कि सगाई की स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूँ तो जरूर कमेंट्स करके बताइएगा, मैं जरूर शेयर करूंगी वो भी आपके साथ। कुछ आपको याद है मैंने क्या ड्रेस पहनी थी जब हम पहली बार मिले थे? सूट पहना था लाल वाला। लाल वाला आपने क्या कहा था, डायलॉग याद है आपको अपना? नहीं डायलॉग याद नहीं। जो सूट मैंने उस दिन वेयर किया था ना, कुछ मुझे कह रहे बैंड बाजो वाला सूट पहन के आए हो आप, जो बैंड बाजा बजाते हैं। इनको याद नहीं है, मेरे को याद है इन्होंने डब्बे डब्बे वाली कमीज ही पहन थी, ब्लू रेड वाइट ऐसी ऐसी लाइनिंग्स थी उस पर। मैं आपके साथ पिक शेयर करूंगी अभी। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो, आज का ब्लॉग यहीं तक था। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। बहुत जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, एकदम मस्त रहिए, और देखते रहिए कुच्चू की पुच्चू का चैनल। या ये आह आह।